मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई और ठाणे शहर में सड़कों पर हुए गड्ढों की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम आदेशों के बावजूद सड़क पर हुए गड्ढों को अभी तक भरा नहीं गया है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। ठाणे शहर में सड़क पर हुए गड्ढे में एक स्कूटी सवार आ गया और उसकी मौत हो गई। भिवंडी शहर के तालुका वाड़ा स्थित अपने घर जा रहे थे 42 वर्षीय राजेंद्र डोंगरे और ये हादसा हो गया। बहुत ही धीमी गति से इस रास्ते की मरम्मत का काम शुरू है। आज अगर आप देखेंगे तो 25% ही रास्ते की मरम्मत हुई है, 75% रास्ता आज भी गड्ढों से भरा है। आज राजेंद्र की मौत केवल उस गड्ढे की वजह से हुई, जिसको किसी गाड़ी ने उसे उड़ाया नहीं, कोई उसके एक्सीडेंट का दूसरा रीज़न नहीं था। सिर्फ रास्ते में ब्रिज के ऊपर जो गड्ढा था उसमें उसकी बाइक स्लिप हो गई और उसकी जगह पे मौत हो गई। अंबाड़ी, ये भिवंडी मनोर हाईवे पे अंबाड़ी जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक आदमी की मौत हुई है और ना उसे किसी गाड़ी ने उड़ाया है, ना उसने किसी गाड़ी को ठोका है या ना उसने किसी डिवाइडर को ठोका है, और उसने किसी तरीके की ड्रिंक नहीं की थी, कोई नशा नहीं किया था। बस एक ही कसूर था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे में उसकी बाइक गिरने की वजह से उसके सर पे मार लगी है और उसकी मौत हो गई है। परिवार में दिवाली की खुशियों की जगह मातम फैल गया। बताया जा रहा है कि राजेंद्र डोंगरे स्कूटी से जा रहे थे, मगर सड़क में गड्ढे होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गए। राजेंद्र डोंगरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला भी दर्ज किया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।